भारतीय पूर्ववास परिषद के नव शिखर चैनल में आप सभी का स्वागत है टीचिंग ब्रेल के इस कार्यक्रम में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि ब्रेल मैथमेटिक्स कोड फॉर इंडिया इससे पहले कि हम ब्रेल मैथमेटिक्स कोड ऑफ इंडिया की बात करें ब्रेल में जो उपलब्ध चिन्ह गणित के हुआ करते थे पहले उसके बारे में चर्चा कर ली जाए पहले ब्रेल में इतने चिन्ह नहीं हुआ करते थे जो मैथमेटिक्स के सभी आयामों को सभी चिन्हों को ब्रिल में हम प्रदर्शित कर सकें और विशेष तौर से जब हम एटपार बच्चों को लाने का प्रयास करते हैं जो डिसेबल्ड बच्चे हैं जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको एटपार लाने का प्रयास करते हैं तो हम ये मानते हैं ये हम चाहते हैं कि सभी दृष्टिबाधित बच्चे ब्रेल को समझें और विशेष तौर से दसवीं क्लास तक की जो गणित के ज्ञान है जो मैथमेटिक्स का ज्ञान है उसको हासिल करें और इसी के लिए हमारे देश में भी प्रयास किए गए सितंबर uh, 1988 में राष्ट्रीय दृष्टि बाध्यता संस्थान देहरादून एनआईवीएच देहरादून और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मुंबई के सहयोग मुंबई के कोलेबरेटिव uh, एफर्ट से यूनिसेफ की मदद से देहरादून में एक सेमिनार का आयोजन किया गया और उस सेमिनार के अंदर ब्रेल मैथमेटिक्स कोड फॉर इंडिया को अंतिम रूप प्रदान किया गया और उस वर्कशॉप जो नेशनल वर्कशॉप थी उसको नाम दिया गया अडॉप्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट ब्रेल मैथमेटिक्स कोड फॉर इंडिया अप्रोप्रिएट से यहां तात्पर्य था कि हम अपने देश की परिस्थितियों में यानी दसवीं क्लास तक बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए उन्हें सभी प्रकार के चिन्हों को उपलब्ध कराएं ताकि वो ब्रेल में दसवीं क्लास तक की गणित को अपनी स्टडी में शामिल कर सके अपने पाठचर्या में शामिल कर सके उससे पहले जब तक ये संभव नहीं था जब तक हमारे पास ये एटी से पहले कोड्स नहीं थे तब तक सब अधिकतर दृष्टिबाधित बालक ज्यादातर आठवीं क्लास तक या उससे भी पहले तक ही मैथ्स का अध्ययन किया करते थे और या उन्हें छोड़ दिया जाता था कि मैथ्स न पढ़ना पड़े क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रेल कोड्स था ही नहीं जब ये ब्रेल कोड्स डिजाइन किए गए तो उसका मुख्य आधार था दिमित कोड फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस नोटेशन जिनको नाइनटीन में रिवाइज भी किया गया यही मुख्य आधार था जब हमने अपने इंडिया के लिए मैथमेटिक्स ब्रेल कोड को डिजाइन किया सितंबर 98 में जो वर्कशॉप हुई थी उसके आधार पर हमने एक मैनुअल तैयार किया और उस मैनुअल में दसवीं क्लास तक की गणित के टोटल 183, 183 चिन्हों को सम्मिलित किया गया एक मैनुअल मेरे पास में अभी है उस मैनुअल में टोटल 30 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है जिसमें फ्रॉम द बेसिक्स जो गणित चिन्ह के आधारभूत चिन्ह हैं उनको सम्मिलित करते हुए जो हायर मैथमेटिक्स में दसवीं क्लास में हमारे पास ट्रिबो मेट्रील इन सब में हम इस्तेमाल करने के लिए हम बाकी सब 183 एटी चिन्हों को हमने उसमें प्रयुक्त किया आज हम उन्हीं चिन्हों की आपको बताने की शुरुआत कर रहे हैं जब हम प्रारंभ करते हैं कि हम ब्रेल मैथमेटिक्स कोड को जाने उससे पहले एक चीज और अनिवार्य कि ब्रेल के संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास बेसिक जानकारी ब्रेल की हो इससे पहले भी आपकी ब्रेल की क्लासेस लगी हैं जैसे आप जान रहे हैं उन ब्रेल की क्लासेस में आपको ब्रेल की संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए एक नंबर इंडिकेटर यानी नंबर साइंड इंडिकेटर यानी संख्या सूचक चिन्ह का आपको जानकारी होगी जो चिन्ह डॉट्स हैं थ्री फोर फाइव सिक्स यानी तीन चार पांच डॉट्स को लगाने के बाद यदि हम ए से लेकर जे तक किसी भी ए, ए एल्फाबेट को लिखते हैं तो उसे हम एज अ नंबर कंसीडर करते हैं एज अ नंबर हम उसे सोचते हैं समझते हैं जब हम मैथमेटिक्स की बात करते जब हम गणित की बात करते हैं तो हम जो भी चिन्ह ए से लेकर जे तक के मानते हैं उसे हम लोअर सेल्स में इस्तेमाल करते हैं जैसे गणित के लिए यदि हमें एक लिखना होगा तो डॉट नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स यानी तीन चार पांच छह जो कि हमारा नंबर साइन इंडिकेटर है उसको लगाने के बाद यदि हम डॉट नंबर टू लगाते हैं तो वो एक पढ़ा जाएगा ऐसे ही यदि हमें दो लिखना है तो नंबर साइन तीन चार पांच छ लगाने के बाद यदि हम डॉट नंबर टू और डॉट नंबर थ्री एक ही सेल में प्रयोग करते हैं तो वो दो लिखा हुआ होगा ठीक इसी प्रकार यदि हमें 123 यदि संख्या लिखनी है तो हम नंबर साइन लगाने के बाद यानी तीन चार पांच छ लगाने के बाद बिना कोई सेल छोड़े बिना कोई स्पेस छोड़े पहले सेल में हम लिखेंगे डॉट नंबर दो दूसरे सेल में डॉट नंबर दो तीन और तीसरे सेल में डॉट नंबर दो और पांच ये जो संख्या हमने अभी देखी ये 123 को कंसीडर करती है 123 को परिलक्षित करती है एक नंबर साइन लगाने में एक नियम बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी हम नंबर साइन का प्रयोग करते हैं जब भी हम न्यूमेरिक इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं उसके बाद हमें कोई भी स्पेस कोई भी खाली स्थान नहीं छोड़ना है जब तक कि हमारी संख्या खत्म नहीं हो जाती कहने का मेरा तात्पर्य है कि नंबर साइन इंडिकेटर की वैलिडिटी केवल तब तक है जब तक आप कोई स्पेस खाली नहीं छोड़ते द मोमेंट यू अ स्पेस इट्स वैलिडिटी इट्स मीन द नंबर साइंस वैलिडिटी इज ओवर जैसे ही एक कॉमा आया, कुछ आप देना चाहते हैं यदि हमें कॉमा मैथमेटिक्स का कॉमा यूज करना है तब हम बिना स्पेस छोड़े बिना कोई गैप छोड़े हम उसको प्रयोग करेंगे जैसे आपने अक्सर देखा होगा जब हम करेंसी को लिखते हैं कुछ ऐसी संख्या को लेते हैं कॉमा की जरूरत पड़ती है जैसे एक लाख तेईस हजार चार सौ बावन एक एग्जाम्पल तो एक के बाद आपने कॉमा लगा हुआ देखा होगा उसके बाद दो अंकों के बाद फिर कॉमा और फिर कॉमा यानी लेफ्ट से यदि अपने राइट से यदि हम शुरुआत करें तो जो इंडियन मेथड इंडियन जो प्रकार है उसमें पहले तीन डिजिट्स के बाद पहले उसके बाद दो डिजिट्स एंड सो एंड सो फोर्थ ये डिजिट्स चलती जाती हैं। तो जब हम कोमा वाला कोई डिजिट हम लिखते हैं तो उसके बीच में भी हम कोई भी स्पेस, कोई भी खाली स्थान नहीं छोड़ते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि खाली स्थान छोड़ते ही न्यूमेरिक इंडिकेटर की वैलिडिटी खत्म हो जाती है इसके साथ ही यदि हमें कोई दशमलव चिन्ह का प्रयोग करना है तो दशमलव चिन्ह के लिए जो इंडिकेटर है वो है डॉट नंबर चार छे। यही हमें दो दशमलव पांच लिखना होगा तो हम सबसे पहले डॉट नंबर तीन चार पांच छ लगा जो कि लिखने के लिए डॉट नंबर टू और फाइव उसके तुरंत बाद बिना स्पेस छोड़े हम डॉट नंबर चार छ लिखेंगे और उसके बाद फाइव लिखने के लिए डॉट नंबर दो और तो ये जो संख्या आपने अभी देखी वो दो दशमलव पांच तो इसके बीच में भी आपने ध्यान दिया होगा हमने कोई भी स्पेस खाली स्थान नहीं छोड़ा है और यही आधार है इंडिकेटर का इंडिकेटर को लिखने के बाद कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी जाएगी ठीक इसी के साथ में हम एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं कि जब हम न्यूमेरिक इंडिकेटर लगा और हमारे पास दो अलग अलग संख्याएं लिखी हुई हैं दो अलग अलग संख्याओं से मतलब 123 उसके बाद कुछ स्पेस छोड़ने के बाद 225 या कोई भी और एक संख्या तो हम सबसे पहले फिर नंबर साइन इंडिकेटर लगाएंगे 225 के जो डॉट्स होंगे वो लगाएंगे फिर एक स्पेस छोड़ेंगे और दोबारा 250 दो या कोई और संख्या लिखने के लिए हम पुनः नंबर साइन का यूज करेंगे क्यों क्योंकि हमने एक स्पेस खाली छोड़ दिया है ये मैथमेटिक्स में जब हम नंबर साइन को शुरू करते हैं तब हम इस चीज का प्रयोग करेंगे किंतु नियम एक ये भी है कि जब हम रनिंग टेक्स्ट में या फिर किसी पुस्तक में पाठ्य पुस्तक में हम यदि नंबर्स को लिखना चाहते हैं आपने देखा होगा अक्सर किसी भी किताब के बाएं साइड पर दायने साइड पर ऊपर या किसी भी तरफ एक नंबर लिखा हुआ होता है जिसमें हम उस नंबर को देख पाते हैं और उस पेज का नंबर हमें पता चल जाता है ये जो नंबर आपका होगा इस नंबर में इस नंबर को हम जो अपर सेल्स हैं हम उन्हीं को प्रयोग करेंगे अपर सेल्स से तात्पर्य यदि हमें पेज नंबर ट्वेल्व लिखना है ऊपर दाहिने कोने पर तो हम दाहिने कोने पर लिखने के लिए डॉट नंबर साइन लगाने के बाद ए लिखने के लिए नंबर एक लगाने के लिए हम डॉट नंबर एक का कर इस्तेमाल करेंगे ना कि डॉट नंबर दो का क्योंकि डॉट नंबर दो ही में लगाना तो वो हम मैथमेटिक्स में यूज कर करें जो हम रनिंग टेक्स्ट में नहीं बल्कि अंदर यूज करेंगे तो जो पेज नंबर्स हमें इंक्लूड करने हैं पेज नंबर्स चाहे वो मैथमेटिक्स की किताब में ही क्यों ना हो हम अपर सेल्स में ही इस्तेमाल करते हैं आ, अब यदि हमारे पास नंबर्स लिखते लिखते हमें कोई पंक्चुएशन इंडिकेटर देना है पंक्चुएशन इंडिकेटर से तात्पर्य है फुल स्टॉप लगाना है जैसे हमने लिखा 120 लिखने के बाद हमने एक स्टॉप लगाया एक पूर्ण विराम लगाया अब क्योंकि यदि हम पूर्ण विराम लगाना चाहते हैं तो यदि हम बिना नियम के चलिए पहले बात करते हैं बिना नियम के नियम पूर्ण विराम लगाते हैं। तो आप कैसा पढ़ेंगे मान लीजिए कि हमें एक लिखना है एक के बाद फुल स्टॉप हमें लगाना है तो सबसे पहले आपने जिस बताया हमने सबसे पहले हमने लगाया एक नंबर साइन उसके बाद वन लिखा उसके बाद टू लिखा टू के डॉट्स जैसे दो पांच और उसके बाद शून्य लिखा शून्य के डॉट्स डॉट नंबर थ्री फाइव एंड सिक्स ये आपका वन ट्वेंटी हो गया लेकिन इसी के बाद आपको फुल स्टॉप भी लगाना है। फुल स्टॉप के डॉट्स हमारे होते हैं डॉट नंबर टू फाइव एंड सिक्स अब यदि हम टू फाइव सिक्स लगा देंगे तो यह हमारी संख्या बिल्कुल चेंज हो जाएगी और तब हम इसे एक सौ बीस पढ़ने के बजाय हम इसे एक हजार दो सौ चार पढ़ेंगे तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग पंक्चुएशन इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं इंडिकेटर हमारा डॉट नंबर चार पांच और छ है कहने का तात्पर्य पंक्चुएशन इंडिकेटर को यूज करेंगे तो हम उस पंक्चुएशन इंडिकेटर से पहले डॉट नंबर चार पांच छ लगाए जिससे हमें पता चल जाए कि हमसे आगे जो चीज लिखी हुई है उस पंक्ुएशन इंडिकेटर से आगे जो चीज लिखी हुई है वो वास्तव में एक डिजिट ना हो करके बल्कि एक पंक्चुएशन साइन है पंक्चुएशन इंडिकेटर है अब चलिए 120 के बारे में फिर बात करते हैं 120 हम दोबारा कैसे लिखेंगे नंबर साइन लगाने के बाद बाद हमने हमने लिखा 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 उसके दो लिखा, लिखा, और तब हमने एक इंडिकेटर लगाया और तत्पश्चात हमने डॉट डॉट नंबर दो पांच और छह का प्रयोग किया दो पांच छह से सात फुल स्टॉप हालांकि यदि हम इसे फुल स्टॉप नहीं लगा रहे थे तो आपको याद होगा हम हम इसे चार पढ़ने का प्रयास करते हैं लेकिन क्योंकि पंचुएशन इंडिकेटर लग चुका है उस पंक्एशन इंडिकेटर लगने के कारण हमने इसे फुल स्टॉप कंसिडर किया और यही नियम है यदि हम पंक्एशन को यूज करते हैं अब एक एग्जाम्पल और याद आता है जब हम किसी डिजिट को किसी भी संख्या को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखने का प्रयास करते हैं कैसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा फाइव इन्वर्टर कोमा फाइव लिखना है तो सबसे पहले मैं इन्वर्टर स्टार्ट करना पड़ेगा उस कोमा को स्टार्ट करना पड़ेगा और जिसके लिए डॉट नंबर टू थ्री और सिक्स है न्यूमेरिक सॉरी जिससे आपने, जिस आपने इन्वर्टर कॉमा को स्टार्ट किया उसके बाद हम न्यूमेरिक इंडिकेटर लगाएंगे न्यूमेरिक इंडिकेटर तीन चार पांच छह लगाने के बाद हमने पांच लिखा डॉट नंबर वन और फाइव उसके तुरंत बाद हमें क्योंकि डिजिट हमारी खत्म हो चुकी है और उसके बाद हमें लिखना है इन्वर्टर कॉमा क्लोज इन्वर्टर कॉमा के डॉट्स होते हैं डॉट नंबर थ्री फाइव एंड सिक्स अब थ्री फाइव सिक्स यदि पंक्शन इंडिकेटर के लगा देते तो हम उसको पढ़ते पांच और शून्य इसको अवॉइड करने के लिए हम पुनः पांच लिखने के बाद पंक्चुएशन इंडिकेटर लगाएंगे यानी डॉट डॉट चार पांच छ लगाने के बाद हम डॉट नंबर तीन पांच और छह को प्रयोग करेंगे तो हमने देखा कि हम पंक्चुएशन इंडिकेटर लगाने के बाद जितने भी हमारे पास पंक्शन आएंगे वो हमारी डिजिट के साथ क्रॉस नहीं होंगे डिजिट के साथ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे और यही पंक्चुएशन इंडिकेटर का कार्य है मैथमेटिक्स कॉमा लगाने के लिए हमने बात की थी पहले मैथमेटिक्स कॉमा का जो डॉट है वो है डॉट नंबर सिक्स जिसको हम अक्सर इंग्लिश ब्रेल में कैपिटल चिन्हों के लिए प्रयोग करते हैं ये गणित के कार्यों को करने के लिए संख्याओं को लिखने का आधारभूत जो चिन्ह है वो है इसके बाद अब हम बात करते हैं जो बेसिक ऑपरेशन साइन है यानी जो मूलभूत गणित में संक्रियाएं होती हैं मूलभूत ऑपरेशन होते हैं उनकी चर्चा की जाए गणित के देखिए मूल जो ऑपरेशन हैं बेसिक ऑपरेशन हैं वो चार हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जोड़ घटाना गुणा करना और भाग देना तो जोड़ के लिए जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं वो चिन्ह है डॉट नंबर तीन, चार छह को प्रयोग करने के बाद उसे हम एज अ प्लस कंसीडर करते हैं पहले हम चिन्हों के डॉट्स को हम याद कर ले उसके बाद हम इनके प्रयोग को करेंगे हल करेंगे माइनस का जो चिन्ह है जो घटाने का चिन्ह है वो है डॉट नंबर थ्री और सिक्स इसके बाद डिवीजन का चिन्ह आता है डिवीजन जो भाग का चिन्ह है वो चिन्ह है डॉट नंबर फोर सिक्स और थ्री फोर देखिए इस डिवीजन वाले चिन्ह में हम दो ब्रेल के सेल्स का ब्रेल के दो कुछकों का इस्तेमाल करते हैं एक ब्रेल सेल में हमने लिखा डॉट नंबर चार और छह और दूसरे सेल में हमने लिखा डॉट नंबर तीन और चार ये दो ब्रेल से से बना बना हुआ दो ब्रेल सेल हुआ एक चिन्ह है जो कि हम भाग के लिए डिवाइड के लिए प्रयोग करते हैं इसके बाद चौथा ऑपरेशन साइन अपना आता है गुणा गुणा में दो तरह के गुणा हम लोगों ने अपने दसवीं क्लास तक के मैथमेटिक्स में देखे हैं पहला गुणा जिसे क्रॉस कहते हैं जिसमें आपने एक्स लिखा हुआ देखा है उस गुणे का चिन्ह अलग है और एक गुणा अक्सर बीज गणित में हम लोग प्रयोग करते हैं जहां पर एक दशमलव जैसा चिन्ह दशमलव जैसा डॉट दो संख्याओं के बीच में या फिर एक डिजिट के बीच में और एक अल्फाबेट के बीच में लगा दिया जाता है वो भी गुणे को ही प्रदर्शित करता है तो उन दोनों के लिए गुणे के चिन्ह अलग अलग है पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन जो क्रॉस वाला है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए भी हम दो ब्रेल के सेल्स का प्रयोग करते हैं पहले सेल में हम डॉट नंबर चार का प्रयोग करेंगे और दूसरे सेल में डॉट नंबर वन सिक्स यानी गुणा लिखने के लिए आप पहले सेल में डॉट नंबर चार और दूसरे सेल में डॉट नंबर वन सिक्स का प्रयोग करेंगे और जो दूसरा ब्रेल का चिन्ह है दूसरा गणित का गुणा का चिन्ह है उसके लिए हम केवल एक ही सेल का प्रयोग करेंगे और उसमें हम डॉट नंबर वन सिक्स का प्रयोग करेंगे गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए यही चार बेसिक ऑपरेशन होते हैं अब इनके कुछ इलेस्ट्रेशन हम लोग डिस्कस करते हैं और कुछ नियमों की बात करते हैं जो कि हमें इसमें फॉलो करना है जब हम तीन और प्लस चार यानी तीन और चार को जोड़ना चाहते हैं तीन जोड़ का निशान चार केवल इतना ही हमें लिखना है तो सबसे पहले हम नंबर साइन लगाएंगे और नंबर साइन लगाने के बाद हम तीन का डॉट प्रयोग करेंगे यानी डॉट नंबर दो और पांच और उसके तुरंत बाद हम डॉट नंबर तीन चार और छह का प्रयोग करेंगे जो कि प्लस का चिन्ह है ध्यान रखिएगा कि डिजिट के बीच में और प्लस के चिन्ह में कोई स्पेस खाली नहीं छूटेगा कारण है कि क्योंकि ये बेसिक ऑपरेशन साइन है इसीलिए हम कोई खाली ना तो इस चिन्ह के पहले और ना ही इस चिन्ह के बाद इस चिन्ह से मेरा तात्पर्य है बेसिक ऑपरेशन साइन यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के निशान यानी चिन्हों से पहले और बाद में हम कोई स्पेस खाली नहीं छोड़ते हैं हम दोबारा देखिए तीन प्लस चार की बात करते हैं नंबर साइन लगाने के बाद हमने तीन लिखा बिना स्पेस छोड़े हमने पांच लिखा सॉरी प्लस का सिन लगाया और उसके तुरंत बाद हमें पांच लिखना है तो अब इस पांच को लिखने के लिए हम नंबर साइन नहीं का प्रयोग नहीं करेंगे कारण उसका यह है कि हमने पहले जो नंबर साइन लगाया था उसके बाद कोई स्पेस खाली नहीं छोड़ा अर्थात उस मल्ट उस जो नंबर साइन इंडिकेटर है उसकी वैलिडिटी अभी बनी हुई है और उस वैलिडिटी के कारण हमने पांच को बिना नंबर साइन इंडिकेटर लगाए प्रयोग कर दिया डॉट नंबर दो और छे का प्रयोग किया तो तीन प्लस पांच या तीन प्लस चार चार के लिए डॉट नंबर टू फाइव एंड सिक्स तो यहां हमने देखा कि हम बेसिक जो मैथमेटिक्स का जो गणित का चिन्ह है उसे ब्रेल में लिखने के लिए हम लोग न पहले और न ही बाद में कोई चिन्ह खाली कोई कोष्ठक ब्रेल का सेल हम खाली नहीं छोड़ते हैं और यही कारण है कि हम पांच लिखने के लिए या फिर प्लस के बाद वाले किसी भी डिजिट को किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमने कोई भी न्यूमरिक इंडिकेटर नंबर साइन इंडिकेटर संख्या सूचक का प्रयोग नहीं किया ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल बात करते हैं पांच में से दो को घटाने की तो पांच क्योंकि पहली बार लिखना है उससे पहले स्पेस था तो सबसे पहले हम पांच लिखने के लिए नंबर साइन का प्रयोग करेंगे नंबर साइन के प्रयोग करने के बाद हमने एक बिना स्पेस छोड़े माइनस का चिन्ह नोट नंबर तीन और छ लगाया और उसके बाद इमीडिएटली हमने दो लिख दिया ब्रेल में दो लिखा अब ब्रेल में दो लिखने के बाद हमें आगे का जो भी कार्य करना है तो जब भी हम गणित में किसी ऑपरेशन साइन को करें तो उससे पहले और बाद में कोई स्पेस खाली ना छोड़े ये बेसिक ऑपरेशन साइन थे इसके बाद चर्चा करते हैं कुछ कंपैरिजन साइन की कंपैरिजन साइंस से मेरा तात्पर्य है जहां पर हम तुलना कर रहे हैं तुलना से आपने देखा होगा एक बहुत बेसिक ऑपरेशन साइन है तुलना करने का इज इक्वल टू जिसे हम बराबर कहते हैं मैं एक एग्जाम्पल फिर आपके सामने रखूंगा दो प्लस तीन बराबर पांच टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव तो ये जो इज इक्वल टू का साइन है ये जो बराबर का साइन है वास्तविकता यह कि ये अपने राइट्स में और लेफ्ट की जो डिजिट्स लिखी हुई है लेफ्ट के जो प्रोसेस लिखी हुई है उसमें कंपेयर कर रहा है कि दोनों ही साइड इक्वल है और जब भी हम इस प्रकार का कोई कंपेरिजन साइन का प्रयोग करते हैं इस प्रकार का या कोई और आगे हम डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग एक स्पेस पहले और एक स्पेस बाद में सदैव छोड़ेंगे यानी कंपैरिजन साइन लगाने से पहले और कंपैरिजन साइन लगाने के बाद हम एक स्पेस खाली छोड़ते हैं अभी जो हमने एक डिस्कस किया था टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव अब हम इसको एक एग्जांपल के रूप में कैसे हम रेल में लिखेंगे वो डिस्कस करते हैं। नंबर साइन लगाने के बाद हम टू लिखेंगे उसके बाद प्लस का चेन लगाएंगे उसके तुरंत बाद हम लोग तीन लिखेंगे इसके बीच में इसके बाद हम एक स्पेस छोड़ेंगे खाली जगह छोड़ेंगे और उसके बाद हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और तब नंबर साइन लगा के हम लोग पांच लिखेंगे तो आइए हम बात करते हैं कि नंबर साइन के डॉट्स क्या है uh, sorry, के चार पांच डॉट्स हैं इसमें फिर हम दो सेल्स का प्रयोग करेंगे एक सेल में डॉट नंबर चार और छह और दूसरे सेल में डॉट नंबर एक और तीन ये हमारा इज इक्वल टू का साइन है और जो कि हम प्रयोग करेंगे अपने मेथड्स में आगे इलेस्ट्रेशन में जैसे पंद्रह प्लस दस इज इक्वल टू पच्चीस पंद्रह प्लस दस बराबर पच्चीस तो पंद्रह लिखने के लिए डॉट नंबर तीन चार पांच छह का प्रयोग किया उसके बाद वन लिखा फाइव लिखा प्लस का चिन्ह लगाया उसके बाद एक लिखा शून्य लिखा उसके तुरंत बाद हमने एक स्पेस खाली छोड़ दिया एक स्पेस खाली छोड़ने के बाद हमने इज इक्वल टू का साइन लगाया चार दूसरे सेल में एक तीन उसके तुरंत बाद फिर हमने एक स्पेस छोड़ा और उसके बाद हमें उत्तर लिखना है यानी कंपैरिजन साइन का दूसरा वाला पार्ट लिखना दूसरा साइड लिखना है पच्चीस अब पच्चीस लिखने के लिए ट्वेंटी फाइव लिखने के लिए हम पुनः नंबर साइन का प्रयोग करेंगे यानी नंबर साइन लगाने के बाद ही हम पच्चीस लिखेंगे तो पच्चीस लिखने के लिए नंबर साइन दो और पांच तो ये एक कंपैरिजन साइन है इसके अलावा एक कंपैरिजन साइन ने और देखा है जिसे आप इज ग्रेटर देन या इज लेस देन के नाम से जानते हैं ये भी दो साइड्स की तुलना कर रहा है जहां पर हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया वहां पर एक साइड की तुलना दूसरे साइड से की जा रही है एक साइड की तुलना दूसरे साइड से की जा रही है इसके डॉट्स और इसके इलस्ट्रेशंस हम लोग ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे the rehabilitation council of india is to enhance the standard and quality of special education and rehabilitation services for the betterment of persons with disability in the country our mission is to regulate training policies and programs standardize and develop training courses recognise institutions and courses promote research maintain the central rehabilitation register collect and disseminate information to provide and improve the quality of special education our dream our dream is to build a free environment for persons with disabilities by an enlightened Special education system and to reinforce the education system by social engineering. The dream is total rehabilitation of persons with disabilities. Hello, hello. Good morning to all the viewers. Today we have Dr. Vijay Shankar Sharma. He is the associate assistant professor at Jagadguru Ram Handicapped University, Chitrakoot. So we have pleasure Thank you, sir. Thank that you, you are here, much. sir. <laughs> and sir is teaching us about Braille mathematical codes for India. Sir, sir has already started it.

मल्टीप्लीकेशन के लिए जो क्रॉस में रहता है उसके लिए फोर और वन सिक्स तथा जो डॉट्स हम डिनोट करते हैं उसके लिए वन और सिक्स डिवीजन के लिए फोर सिक्स तथा थ्री फोर और इक्वल टू के लिए फोर सिक्स तथा वन थ्री आपने हमें यह भी बताया कि जो बेसिक साइंस होते हैं इनके लिए हम कोई भी सेल में गैप नहीं छोड़ेंगे पर जो दूसरे हमारे साइंस होते हैं उनके लिए हमें गैप छोड़ना बहुत जरूरी है बहुत अच्छे से आपने एग्जाम्पल्स दे के ये बताया कि किस तरीके से हम इन डॉट्स का यूज कर सकते हैं और काफी आपने इसको इलेस्ट्रेटिव वे में हमें बताया अब इसी को हम आगे करते हुए फिर देखते हैं कि सर और आगे क्या हमें बताते हैं थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच अभी तक हमने डिस्कस किया था कि ब्रेल में हम कंपैरिजन साइन का प्रयोग कैसे कर रहे हैं तो मैंने बताया था कि कंपैरिजन साइन का प्रयोग करने के लिए हम लोग एक सेल पहले और एक सेल बाद में छोड़ते हैं क्योंकि वो एक साइड की तुलना दूसरी साइड से कर रहे हैं इक्वल uh, टू की हमने बात की थी अब हम बात करते हैं इज ग्रेटर देन की तो ग्रेटर देन को डिस्कस करने के लिए ग्रेटर देन का जो साइन है वो है एक सेल में डॉट नंबर चार दूसरे सेल में डॉट नंबर दो तो डॉट नंबर दो लगाने के बाद हम फिर एक स्पेस छोड़ेंगे यानी दो साइड्स का कंपैरिजन करने के लिए थ्री इज ग्रेटर देन वन तो सबसे पहले हमने थ्री का चिन्ह लगाया थ्री के लिए लिखने के लिए सबसे पहले नंबर साइन इंडिकेटर लगाएंगे फिर थ्री लिखेंगे फिर हम एक स्पेस खाली छोड़ेंगे और उस स्पेस को खाली छोड़ने के बाद हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन है डॉट नंबर चार दूसरे सेल में डॉट नंबर दो और तब हम पुनः एक स्पेस छोड़ेंगे और उसके तुरंत बाद हम डॉट नंबर एक लिखेंगे एक एक संख्या, लिखेंगे। एक संख्या मतलब नंबर साइन लगाने के बाद हमने एक लिखा यहां हमने देखा कि जितने भी कम्पेरिजन साइन है उससे आगे और पीछे हम जगह छोड़ रहे हैं बिल्कुल तो और जो ऑपरेशन साइन है उसमें हम जगह नहीं छोड़ रहे हैं तो क्योंकि जो कंपेरिजन साइन है उसमें एक साइड की तुलना दूसरी साइड से की जा रही है बिल्कुल यही आधार की हम तब तक ये साइड बता दें कि दिस साइड इज लेस देन और इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू तो द अपोजिट साइड ऑफ द दिस पर्टिकुलर सेगमेंट जहां हमने वो चिन्ह का प्रयोग किया है आ, यानी सर आप ये बताना चाहते हैं कि जैसे जो भी हम कंपैरिजन साइन यूज करेंगे उसके पहले एक हम स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद एक हम स्पेस छोड़ेंगे बिल्कुल अच्छा। उसके बाद हम इसको प्रयोग करेंगे अब जैसे लेस देन का हमें चिन्ह का प्रयोग करना है तो लेस देन में ठीक इसका अपोजिट हो जाता है अपोजिट्स का मतलब जब हम मैं इसे जी एक जी पेन पेपर पे आपको प्रयोग करके दिखाता हूं जी जरूर देखिए लेस देन का चिन्ह होता है ये ऐसा साइन जी राइट अब ये हमने लगाया अब यहां पे हमने लिखा आ, थ्री थ्री इज थ्री ग्रेटर थ्री इज ग्रेटर यहाँ पे देखिए जिस तरह का चिन्ह है उसके बाद हमने बिना स्पेस छोड़े लिखा तीन थ्री ठीक ओके okay. और तीन लिखने के बाद हमने एक स्पेस यहाँ पे खाली छोड़ दिया जी बिल्कुल और अब देखिएगा शेप इसी तरह की लगभग बन के आती है एक शेयर में लगाया चार छोट नंबर चार छ का प्रयोग किया चार सेल में हमने डॉट नंबर दो का प्रयोग किया ठीक और उसके बाद हमने एक स्पेस खाली छोड़ने के बाद पुनः हमने एक नंबर साइन इंडिकेटर लगाने के बाद हमने एक लिख दिया राइट अब आप देखिए ये शेप और ये ग्रिड देने की शेप लगभग बिल्कुल यानी सबसे पहले हम नंबर साइन लिखेंगे फिर नंबर लिखेंगे फिर स्पेस गैप की साइन करेंगे फिर जो हमारा कंपेरिजन साइन है वो करेंगे फिर से गैप करेंगे फिर नंबर साइन लिखेंगे और फिर नंबर लिखेंगे राइट right. okay. तो ये हमारा नंबर साइन लिखने के अब, अभी okay, हमने ग्रेटर दिन की बात की अब लेस की बात करते हैं नाउ वन इज लेस देन थ्री थ्री हमने इसका प्रयोग करना है अब वन इज लेस देन थ्री के लिए सबसे पहले हमने वन लिखा नंबर साइन लगाने के बाद जी ये वन राइट right? वन लिखने के बाद अब फिर हम देखिए शेप अब उसी तरह की आएगी इसके हमारे डॉट बदल जाएंगे इसके डॉट है पांच और दूसरे सेल में डॉट नंबर वन और, थ्री। और उसके बाद फिर हमने, एक स्पेस यहां छोड़ा था, एक फिर हमने यहां खाली छोड़ा और डॉट नंबर तीन लिख आ, संख्या तीन लिखने के लिए फिर हमने यह, तीन का प्रयोग कर दिया अब यहां देखिए इसका शेप और इसका शेप बिल्कुल मैच कर, मैच कर रहा है, है। यानी जो भी हम कंपैरिजन साइन यूज कर रहे हैं उसमें उसको लिखने के पहले हमें सबसे पहले नंबर साइन यूज करना है फिर नंबर लिखना है फिर हमें गैप देना है फिर हमें कंपैरिजन साइन करना है उसके बाद फिर हमें गैप देना है फिर हमें नंबर साइन लिखना है और फिर नंबर लिखना है मैं दोबारा बताऊ नंबर साइन लिखने के लिए सर हमें सबसे पहले जरूर हमने जैसे ही हमने यहाँ पे गैप छोड़ा था हमने यहाँ पे गैप छोड़ा था जी बिल्कुल और क्योंकि हम न, ये तो ये हो सकता था कि हमने नंबर साइन तो हमें वही चलना चाहिए था जी लेकिन जी नंबर साइन की एक नियम है कि नंबर साइन के बाद जैसे ही कोई स्पेस खाली आया उस नंबर साइन की वैलिडिटी समाप्त हो जाती है ओके राइट उसके बाद दूसरी दिया हमें कोई डिजिट लिखनी होगी कोई संख्या लिखनी होगी तो हमें एक अन्य डिजिट का प्रयोग करना होगा एक अन्य डिजिट को लिखने के लिए नंबर साइन का प्रयोग करना होगा this is a very important thing which uh, sir has discussed with us sir has told us when we are using the basic signs then there is no need to leave any space gap but whenever we will use a comparison sign then it is very necessary that before using that comparison sign we have to leave a cell as well as after writing that comparison sign it is also important to leave an another space gap so this is very important and okay, sir. sir has very uh, elaborately discussed about these examples that first of all we have to write the number sign, then we have to write 1, then we have to leave a space gap, then we have to write equal then we have to write greater than or equal to greater than or less than sign, then again we have to use the space gap, then number sign, then number. So this is the way we whenever we will use any comparison sign this fashion we will follow, right. Okay. So we <coughs> or एक और हमारे पास इसमें सेगमेंट है कि हम ब्रैकेट्स कैसे लगाते हैं ओके सर ना ब्रैकेट लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट का एक चिन्ह है ब्रैकेट लगाने के लिए हम वन टू थ्री एंड फाइव सिक्स ये ब्रैकेट स्टार्ट इंडिकेटर है ना ब्रैकेट स्टार्ट इंडिकेटर की हमने जो भी सामग्री जो अब हमें लिखना है वो अब ब्रैकेट के अंदर लिखा जा रहा है Okay. और जब हमारे ब्रैकेट की जानकारी पूरी हो गई तो ब्रैकेट क्लोज इंडिकेटर भी इसी तरह का है ये. जिसमें हम डॉट नंबर वन को छोड़ देंगे और डॉट नंबर टू थ्री फोर फाइव सिक्स को हम प्रयोग करेंगे uh. तो जो हम राउंड ब्रैकेट शुरू करते हैं जो हम इसे गोल ब्रैकेट कहते हैं छोटा ब्रैकेट कहते हैं उसके लिए हम यही डॉट का प्रयोग करते हैं डॉक्टर साहब यहाँ एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि ये जो हम ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे क्या ब्रैकेट के के प्रयोग करने पहले फिर से हम एक स्पेस गैप छोड़ेंगे जी देखिये क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में हमारे पास गैप हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इसके बाद में जो कि हम चीजें लिखेंगे उसमें कोई गैप जैसा हमारा टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपने हमें बताया कि जब हम राउंड ओपन ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे तब उसके लिए डॉट्स हैं वन टू थ्री तथा फाइव सिक्स ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें डॉक्टर साहब से मिल रही है मैं अपने व्यूअर्स से चाहूंगा कि वो प्लीज इसे अपने नोटबुक में कॉपी करते रहे राउंड ओपन के लिए जो डॉट्स का प्रयोग किया जाता है वो है वन टू थ्री तथा फाइव सिक्स था जब आप राउंड ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो उसके लिए जो साइंस आप प्रयोग करते हैं वो है टू थ्री फोर तथा इसमें जो नियम एक और है कि जब भी हम कोई सामग्री हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो हम नंबर साइन का प्रयोग नहीं करेंगे अच्छा तो जैसे हमें कोई संख्या लिखनी है ब्रैकेट में पैंतीस थर्टी फाइव इफ यू टू राइट इन ब्रैकेट देन फॉर राइटिंग थर्टी फाइव वी डोंट नीड टू प्लेस न्यूमरिक इंडिकेटर i okay, will give you the uh, illustration mm -hmm. no, so first of all we will start our bracket by 1 2 3 and 5 6 by placing these dots all 5 dots yes, 1 2 3 and 5, five 6, six. Okay? now bra the small bracket has been started okay. we will write 3 3 means without number sign we will write 3 it means only dot number 2 and 5 Okay. right it yes. is 3 and then mm -hmm. 5 dot number 2 and 6 ब्रैकेट सो क्लोजिंग द ब्रैकेट अगेन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाउ इट इज विद इन ब्रैकेट थर्टी फाइव सो आप जानते हैं कि ब्रेल uh, थोड़ा सा जगह ज्यादा घेरती है okay. उसी okay. को हम कम करने के लिए हम जहां पर अवॉइड कर सकते हैं उसमें अवॉइड करते हैं एंड ब्रैकेट इज वन ऑफ दैम Uh, सर ने हमें ये जानकारी दी कि जब हम uh, कोई भी संख्या लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर तो हम वहां पे जो है नंबर साइन का प्रयोग नहीं करते हैं और न, जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे अगर हमें थर्टी फाइव लिखना है तो इसमें हमने ब्रैकेट साइन लिखा वन टू थ्री फाइव सिक्स उसके बाद थर्टी फाइव को स्ट्रेट वे हमने लिखा थ्री और फाइव डिजिट्स को और उसके बाद फिर हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया टू थ्री फोर तथा फाइव सिक्स के द्वारा अंदर हमने कहीं भी नंबर साइन का प्रयोग नहीं किया गया है और ये इसके लिए हुआ है क्योंकि चूंकि ब्रेल में डॉट्स का हम प्रयोग करते हैं और इस ये स्पेस बहुत ज्यादा घेरती है तो स्पेस को ये कम घेरे इसी वजह से ब्रैकेट के अंदर जब हम किसी अंक को लिखते हैं तो उसके आगे या पीछे हम न्यूमेरिकल साइन का प्रयोग नहीं करते जी सर तो अब ब्रैकेट की ज्यादा अभी हमने बात की कि स्मॉल ब्रैकेट अब स्मॉल ब्रैकेट के बाद एक करली ब्रैकेट भी हमने देखा हुआ है जो इसे हम करली घुमा घुमा के हम इस्तेमाल करते हैं जी। इस तरह का ये करली बैकेट स्टार्ट का और उसके बाद ये करली बैकेट क्लोज का क्लोज कर तो, करने तो इसका भी एक अलग चिन्ह है देखिए, बेसिक तो हमारे पास यही है अच्छा ब्रैकेट को शुरू करने का जो बंद करने का है जो हिंदी ब्रेल जानते हैं उनके लिए बहुत आसान है जी। Uh, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये समझाता हूं ताकि वो ज्यादा समय तक याद रखें कि हम किसी संख्या को ब्रैकेट में जब लिखते हैं तो ये समझ लीजिए हम उसे कोट पहना देंगे कोट close. से मेरा तात्पर्य है hmm. कि वन टू थ्री फाइव सिक्स हिंदी में को का कंट्रैक्शन है को क पे ओ की मात्रा जी. और जो राउंड ब्रैकेट क्लोज जो हम कर रहे हैं उसका हिंदी में जो शब्द है वो डिनोट करता है वो है तो को से शुरू किया ट पे खत्म किया

टू थ्री फाइव सिक्स हिंदी कॉन्ट्रेक्शन में क का हो, को का होता है तथा टू थ्री फोर फाइव सिक्स ट का कॉन्ट्रेक्शन होता है हिंदी में तो जो हमारे व्यूअर्स हिंदी कॉन्ट्रेक्शन ब्रेल जानते हैं उनके लिए याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप कोट याद रखें तो आप ब्रैकेट को क्लोज करना और बंद करना आसानी से इन डॉट्स को याद रख सकते हैं नहीं। नहीं। तो करली ब्रैकेट के बारे में बात करते हैं करली ब्रैकेट का नियम बस इतना है कि हम उस ब्रैकेट को शुरू करने से पहले और बंद करने से पहले डॉट नंबर चार को और लगाते हैं। <laughs> अर्थात जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट वाला नियम था वही है तो डॉट नंबर चार छ और फिर वही को यानी वन टू थ्री एंड फाइव सिक्स और ऐसे ही हम उसे क्लोज करने के लिए डॉट नंबर चार छ हमने पहले लगाया और चार छह लगाने के बाद हमने पुनः डॉट नंबर टू थ्री फोर फाइव और सिक्स का प्रयोग किया तो यदि हम स्क्वायर ब्रैकेट से ठीक पहले डॉट नंबर चार छह लगा देते हैं तो वो करली ब्रैकेट कंसीडर हो जाता है और यदि हमें स्क्वायर ब्रैकेट उसे बनाना है तो केवल डॉट नंबर चार जिसे हम बड़ा ब्रैकेट भी कहते हैं बिग ब्रैकेट कहते हैं उसको यदि हमें बनाना है तो डॉट नंबर चार का यदि हम प्रयोग करते हैं को से पहले यानी जो हमारा इंडिकेटर था उससे पहले यदि हम प्रयोग करते हैं तो वो बिग ब्रैकेट को इंडिकेट करता है और वही बिग ब्रैकेट को बंद करने के लिए सबसे पहले हम डॉट नंबर चार लगाएंगे और उसके बाद ट यानी कि टू थ्री फोर फाइव सिक्स का प्रयोग करेंगे ये तीनों ब्रैकेट्स जो हमारे गणित में है उसमें हम ब्रैकेट्स में हम ब्रैकेट इस चीज को इस्तेमाल करते हैं नियम बस वही है कि हमें अंदर ब्रैकेट के अंदर किसी नंबर साइन इंडिकेटर लगाने की आवश्यकता नहीं है डॉक्टर साहब ने यहाँ हमें डॉक्टर साहब ने यहाँ हमें विभिन्न ब्रैकेट्स के बारे में बताया सबसे पहले जिस ब्रैकेट के बारे में चर्चा की गई वो था राउंड ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट के लिए जो हम डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं वो है वन टू थ्री तथा फाइव सिक्स और जब हम इसे क्लोज करते हैं तो वो है टू थ्री तथा फोर फाइव सिक्स ये था राउंड ब्रैकेट के लिए जब हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो इसके आगे हमें केवल फोर डॉट का यूज कर लेना है और बाकी सेम रहेंगे यानी फोर वन टू फोर वन टू थ्री फाइव सिक्स ओपन के लिए और क्लोज करने के लिए फोर टू थ्री फोर फाइव सिक्स और जब हम करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो हम फोर के साथ सिक्स और ऐड कर देंगे यानी फोर सिक्स और फिर जो हम राउंड ब्रैकेट के लिए इस्तेमाल करते थे वन टू थ्री फाइव सिक्स तथा क्लोज करने के लिए फोर सिक्स तथा पुनः जिस तरीके से हम राउंड ब्रैकेट को क्लोज करते थे टू थ्री फोर फाइव सिक्स से वो हम लिख देंगे यानी फोर सिक्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स याद करने के लिए बहुत ही आसान है मैं एक बार पुनः दोहराता हूं और व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्लीज इन डॉट्स को लिख लें अपने नोटबुक में राउंड ब्रैकेट ओपन करने का साइन है वन टू थ्री फाइव सिक्स तथा क्लोज करने का साइन है टू थ्री फोर फाइव सिक्स स्क्वायर ब्रैकेट के लिए फोर ऐड कर दीजिए बाकी सेम रहेगा राउंड ब्रैकेट के जैसे यानी फोर वन टू थ्री फाइव सिक्स तथा फोर टू थ्री फोर फाइव सिक्स करली ब्रैकेट के लिए फोर सिक्स फिर वन टू थ्री फाइव सिक्स तथा फोर सिक्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी अगर आप वन टू थ्री फाइव सिक्स ओपन के लिए और क्लोज के लिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स याद रखें और ये याद रखें कि स्क्वायर ब्रैकेट के लिए फोर आपको ऐड करना है और करली ब्रैकेट के लिए फोर सिक्स तो आपको पूरी साइंस आसानी से याद हो जाएंगे। राइट थैंक यू जी आगे हम बात करते हैं फ्रैक्शन की जिसे हम भिन्न के नाम से जानते हैं फ्रैक्शंस uh, हम इनिशियल स्टेज की बात करते दो प्रकार का हमें देखने को मिलता है एक सिंपल फ्रैक्शन और एक मिक्स फ्रैक्शन तो सिंपल फ्रैक्शन जैसे दो बटे तीन जी और मिक्स फ्रैक्शन जैसे दो सही दो बटे तीन दोनों के लिए अलग अलग चिन्ह है सबसे पहले हम बात करें जो हमारा सिंपल फ्रैक्शन है दो बटे तीन लिखने के लिए तो जैसा कि हमने अभी ब्रैकेट में बात किया था ब्रैकेट बिगनिंग इंडिकेटर ब्रैकेट क्लोजिंग इंडिकेटर ठीक वैसे ही भिन्न के लिए भी यानी फ्रैक्शंस के लिए भी हमारे पास ओपनिंग इंडिकेटर है और एक क्लोजिंग इंडिकेटर है तो भिन्न के लिए जो ओपनिंग इंडिकेटर है वो है थ का डॉट यानी डॉट नंबर वन फोर फाइव सिक्स जो भी चिन्ह हम जो भी चीज हम फ्रैक्शन के अंदर लिख रहे हैं वो शुरुआत होगी वन फोर फाइव सिक्स से हिंदी वालों के लिए जो इंग्लिश में हम टी एच का प्रयोग करते हैं वही चीज और जब हमने भिन्न की जान पूरी संख्या जो थी वो भिन्न की लिख ली उसके बाद उसे बंद करने के लिए हम जो नंबर साइन है उसी को क्लोजिंग फ्रैक्शन क्लोजिंग भी कंसीडर करते हैं फ्रैक्शन क्लोजिंग इंडिकेटर नंबर अब उदाहरण के लिए हमें दो बटे तीन लिखना है तो दो बटे तीन लिखने के लिए हम एक चीज और पहले डिस्कस कर लें कि अक्सर आपने देखा हो कि दो बटे तीन लिखने के लिए दो तरह से दो बटे तीन लिखा जाता है पहला प्रकार दो बटे तीन और दूसरा प्रकार दो और ऐसा एक स्लैश लगा हुआ देखा होगा और उसके बाद तीन तो राइट? एक दो बटे तीन और एक ये ऐसा दो बटे तीन इन दोनों ही के लिए हमारे पास चिन्ह अलग अलग हैं। ये तो हमने अभी बात की थी कि हमारे पास भिन्न के लिए इंडिकेटर अलग अलग है ओपनिंग के लिए और क्लोज के लिए जैसे कि हमने ब्रैकेट्स में बात की थी लेकिन अभी हमारे पास एक इंडिकेटर इसमें बीच में और लगाना है एक चिन्ह और लगाना पड़ेगा जो कि बताएगा कि बटे का चिन्ह जैसे हम बात करते हैं जो की हमारा है जो सिंपल में आपका काम आता है वो है जो हॉरिजोंटल जिसे हम कहते हैं जो कि पहला मैंने आपको चिन्ह बताया था हॉरिजोंटल सॉरी जो कि हॉरिजोनटल है ये वाला जो चिन्ह है इसके लिए हम सिंपल डॉट नंबर थ्री फोर का प्रयोग करेंगे और जो ऐसे वाला है डायगोनल जो आपका शेप नजर आ रहा है उसमें हम दो सेल का प्रयोग करते हुए पहले हम चार पांच छह लगाएंगे और उसके बाद डॉट नंबर तीन चार इन डॉट नंबर तीन चार लगना ही लगना है राइट ये डॉट नंबर तीन चार लगा देने के बाद एक हमारे पास डायगोनल बना देगा और एक सिंपल वाला जो हॉरिजोंटल लाइन है डिवीजन की वो हमें इंडिकेट करेगा तो हम पहले पहले वाले की बात करते हैं यानी दो बटे तीन जिसमें हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है राइट right? अब हॉरिजॉन्टल लाइन का लिखना है, दो हमें लिखना है जी। तो सबसे पहले हमने वन फोर फाइव सिक्स लिखा और उसके बाद फिर इसमें भी देखिए हम नंबर साइन इंडिकेटर नहीं लगाएंगे अच्छा। और नंबर साइन इंडिकेटर का प्रयोग किए बगैर फिर हम दो लिखेंगे और उसके बाद क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिवाइड वाला है, बटे वाला चिन्ह चिन्ह है है बटे इसलिए हम केवल डॉट नंबर तीन चार का प्रयोग करके और उसके तुरंत बाद हम तीन लिख देंगे वो भी बिना नंबर साइन लगाए हुए और हमने दो बटे तीन लिख दिया तो दो बटे तीन लिखने के बाद हमने उस फ्रैक्शन को बंद करना है उस फ्रैक्शन को बंद करने के लिए हमने तीन चार पांच छह यानी फ्रैक्शन क्लोजिंग इंडिकेटर का प्रयोग किया राइट तो फ्रैक्शन ओपनिंग इंडिकेटर आपको जानना जरूरी है बच्चों को जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं और जो पेरेंट्स देख रहे हैं दो चीजें तीन चीजें इसमें जाननी बहुत अनिवार्य हैं जब आप फ्रैक्शन की संख्या को लिखते हैं सबसे पहले फ्रैक्शन ओपनिंग इंडिकेटर आपको जानना जरूरी है जो वन फोर फाइव सिक्स है उसके बाद फ्रैक्शन क्लोजिंग इंडिकेटर जब फ्रैक्शन को बंद कर रहा है अब हमारी संख्या जो बटे में लिखी गई थी वो खत्म हो गई है दैट इज <coughs> तीन चार पांच छे और जो उसके बीच में प्रदर्शित करेगी कि बटे का चिन्ह जो कि दो तरह के आपने अक्सर गणित में देखे होंगे एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह होता है जिसके लिए हम डॉट नंबर तीन चार का प्रयोग करते हैं और एक डायगनल यानी तिरछा डंडा खींच दिया जाता है उसके लिए हम सबसे पहले जैसे आपने अभी बात की थी पंक्चुएशन मार्क जो हमने लगाया था चार पांच छह लगाने के बाद तब हम तीन चार का प्रयोग करते हैं तो ये चीज है फ्रैक्शन को लिखने के लिए सिंपल फ्रैक्शन को लिखनी है फ्रैक्शन साइंस हाउ वी कैन यूज द फ्रैक्शन साइन सो फॉर यूजिंग द फ्रैक्शन साइन वी हैव टू यूज द सिंपल, द सिंबल फॉर द सिंपल ओपन फ्रैक्शन साइन दैट इज वन फोर फाइव सिक्स दिस वी हैव टू राइट इट फर्स्ट देन वी हैव टू राइट द नंबर Suppose the number is 2, then we have to write the number symbol for 2. Then we have to see whether we are going to use the horizontal line fraction or diagonal line fraction. So, when we will use the horizontal line fraction, then it is 3, 4. And if it is diagonal line, then that is 4, 5, 6, and 3, 4. And after that, we will write the number. So, uh, sir, has very, sir has given us the example about writing 2, then horizontal si uh, sign, then 3. So, for this we have to use 1, 4, 5, 6, that is denoting the simple opening sign for fraction, then the sign for 2, then the sign for horizontal, that is 3, 4, then the sign for 3. Then we have to close this fraction. So, th we have to write the closing fraction sign that is 3, 4, 5, 6. So, in the similar way, suppose <coughs> if we are writing this 2 by 3 in a diagonal one. So, in this we will write again the simple open sign that is 1, 4, 5, 6. Then we will write the sign for 2. then the sign for diagonal that is 4 5 6 and 3 4 then we will write 3 th then the closing sign for fraction that is 3 4 5 6 that's it acha ye to humne baat ki simple fraction ki ab yadi hame mixed fraction ka prayog karna hai jaise 2 सही 2/3 का यदि हमें प्रयोग करना है तो दो 2 तीन वैसे ही लिखा जाएगा जैसे अभी हमने डिस्कस किया केवल फर्क है जो हमने पहले बाहर दो लिखा है तो उसके लिए हम क्योंकि वो एक पूर्ण नंबर है क्योंकि एक पूर्ण संख्या है तो इसके लिए हम नंबर साइन लगा के पहले दो लिख देंगे या जो भी संख्या होगी उसे हम लिख देंगे और उसके बाद दो बटे तीन वैसे लिखेंगे जैसा अभी हमने अपने व्यूअर्स को बताया बिल्कुल तो दो सही दो बटे तीन या फिर तीन सही तीन बटे चार वट एवर द नंबर इफ यू वॉन्ट टू राइट सो थ्री इज अ होल नंबर सो फर्स्ट वी विल राइट थ्री विद नंबर साइन इंडिकेटर एंड देन वी विल प्लेस द फ्रैक्शन वन दैट इज टू अपॉन थ्री फोर अपॉन फाइव एंड वट एवर इंट राइट डॉक्टर को के और डेमोस्ट्रेट जी। जी। करते हुए जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप एक संख्या बताएं जी। सर जी जैसे आपने एग्जाम्पल दिया वही संख्या भी हम ले सकते हैं तो दो सही तीन बटे चार का प्रयोग हम करते हैं फ्रैक्शन है तो सबसे पहले दो लिखेंगे तो दो लिखने के लिए सबसे पहले हमने नंबर साइन लगाया और दो लिख दिया ये हमारा एक होल नंबर है यानी दो लिखने के पहले यहां नंबर साइन लगाना अनिवार्य है क्यों क्योंकि ये दो की वैलिडिटी कैसे बनेगी अभी तक देखिए नंबर साइन जब नहीं लगाते थे उसका कारण ये था कि हम उसे किसी फ्रैक्शन के अंदर या उसे हम किसी ब्रैकेट ब्रैकेट डिनोट करते थे क्योंकि ना तो ये फ्रैक्शन का पार्ट है जी। और ना ही ये ब्रैकेट का पार्ट है इसलिए हम यहाँ पर नंबर साइन जरूर लगाएंगे राइट okay. right? उसके बाद <coughs> हमने अपना आ, वन फोर फाइव सिक्स जो कि स्टार्टिंग इंडिकेटर है तीन बहुत सिक्स जी बिल्कुल राइट स्टार्टिंग इंडिकेटर हमने यूज किया इसके बाद हमने तीन लिखा बिना अब देखिए यहां पर हमने कोई भी नंबर साइन का प्रयोग नहीं किया नहीं किया है उसके बाद हमने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लगानी हॉरिजॉन्टल साइन हमारा था डॉट नंबर थ्री फोर थ्री फोर लिखने के बाद हमने फिर फोर लिखा फोर डॉट लगाया अब हम पास तीन बटे चार लिख ले दिए लेकिन अब हमसे क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए हम वही थ्री फोर फाइव सिक्स करें तो ये है दो सही तीन बटे चार okay. राइट दो सही तीन बटे चार तो क्योंकि हमारे पास दो एक होल नंबर है इसलिए हम पहले उसे बाहर लिखेंगे और उसे नंबर साइन के साथ लिखेंगे अच्छा डॉक्टर साहब आप यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर वो पूर्ण संख्या है तो उसके पहले संख्या का सिंबल डिनोट करना अनिवार्य है बिल्कुल।, okay. बिल्कुल और बाकी जो हमने पहले डिस्कस किया था उसी तरीके से उसी फैशन से उसी फैशन में हम लो लोग लिखेंगे हमारा फ्रैक्शन की बात केव डिस्कस राइट नाउ रिगार्डिंग दिस फ्रैक्शन हाउ विल राइट फ्रैक्शन ऑन दिस थिंग नाउ अस स्विच ओवर टू व्हेन वी राइट यूनिट्स ऑफ करेंसी एंड मेजरमेंट मेनी टाइम्स इफ वांट टू राइट 1.75 रुपीस सेवन फाइव रुपीज और रुपीज वन पॉइंट सेवन फाइव और वट एवर इफ यू वॉन्ट टू राइट वन थाउजेंड मिली लीटर वन थाउजेंड लीटर इफ यू वॉन्ट टू राइट दीज थिंग्स देन वी हैव टू फॉलो exactly whatever इज there विच इज written in प्रिंट okay. बिल्कुल वही चीज हमें फॉलो करनी okay. जैसे प्रिंट में नहीं हुआ मैंने आपसे अभी जैसे बात की थी हमने यदि 1.75 पॉइंट सेवन फाइव आर एस फुल स्टॉप लिखना है तो वो एक अलग चीज है और रुपीज वन पॉइंट सेवन फाइव लिखना है तो वो एक अलग चीज है आर एस वन फाइव आर एस 1.75 यानी रुपीज वन पॉइंट सेवन फाइव या रुपीज सेवेंटी फाइव पिछहत्तर रुपए और रुपए पिछहत्तर ये दोनों अलग अलग चीज है तो जैसा हम प्रिंट में देख रहे हैं वैसा ही हम लिखेंगे तो आर कैपिटल क्योंकि आर है अभी हम एक फिर इलेस्ट्रेशन एक दे देते हैं आपको <laughs> आर एस फुल स्टॉप पिचहत्तर राइट क्योंकि कैपिटल आर है तो सबसे सब पहले हमने सिंपल आर लगा आर लिखाया वो भी कैपिटल तो आर कैपिटल लगाने के लिए कैपिटल नंबर सिक्स का प्रयोग okay. किया उसके बाद आर लिखा हुँ. और एस ये हो गया आर एस और ये फुल स्टॉप का चिन्ह तो ये हो गया आर एस और उसके बाद एक स्पेस छोड़ के क्योंकि यहां पे भी एक स्पेस खाली हम छोड़ते हैं फिर हमने यहां पे नंबर साइन लगाया और 75 लिख दिया तो आर एस यदि पहले लिखा है तो हम पहले आर एस लिखेंगे और यदि प्रिंट में आर एस डिजिट के बाद लिखा संख्या के बाद लिखा तो हम बाद में लिखेंगे क्योंकि दोनों ही ठीक है ऐसा हमारे पास फॉलो करना हमने देखा कि हम चाहते हैं कि जो हमारे दृष्टिबाधित बालक वही मैथमेटिक्स फॉलो करें वही रूल्स फॉलो करें जो कि उनके जो दृष्टिवान साथी है वो फॉलो कर print, रहे हैं तो जैसा प्रिंट में लिखा हुआ होगा वैसा ही हमें करना होगा डॉक्टर साहब ने यहाँ हमें बताया कि जैसे जब हम करेंसीज में लिखते हैं और अगर हम इस्तेमाल करते हैं कि जैसे अगर लिखा हुआ है 75, या अगर लिखा हुआ है सेवेंटी फाइव रुपीज तो ये दोनों के लिए हम अलग अलग पद्धति से लिखेंगे तथा तो अलग अलग साइंस का यूज करेंगे तो अगर लिखा हुआ है आर एस आर जिसमें कैपिटल है और एस स्मॉल में है फिर डॉट फिर सेवन तो इसमें आर लिखने के पहले चूंकि आर ये कैपिटल है इसके लिए हम पहले कैपिटल साइन को डिनोट करेंगे फिर आर का साइन लिखेंगे फिर एस का साइन लिखेंगे फिर डॉट का साइन लिखेंगे और डॉट की साइन लिखने के बाद एक स्पेस का हम गैप देंगे एक स्पेस का गैप यहां देना अनिवार्य इसलिए होता है क्योंकि हम प्रिंट में भी रूपीज लिखने के बाद एक सेल एक का गैप देते हैं और उसके बाद फिर हम नंबर की साइन लिखेंगे क्यों क्योंकि 75 एक पूर्ण रूप में अंक है नंबर साइन लिखने के बाद फिर हम सेवन का साइन लिखेंगे और फिर फाइव का साइन लिखेंगे यह हुआ पहला तरीका जिसमें है रुपीज सेवन फाइव सेवेंटी फाइव और अगर लिखा हुआ है सेवेंटी फाइव रुपीज तो सबसे पहले हम नंबर का साइन लिखेंगे फिर सेवन का साइन लिखेंगे फिर फाइव का साइन लिखेंगे फिर हम कैपिटल साइन लिखेंगे क्योंकि हमें आर कैपिटल में लिखना है फिर हम आर का साइन लिखेंगे और फिर हम एस का साइन लिखेंगे और फिर हम डॉट का साइन लिखेंगे जी बिल्कुल okay. अब ये है जहां पर हम कैपिटल का प्रयोग कर रहे हैं अब कुछ जगह ऐसी जहां पर हम कैपिटल का प्रयोग नहीं करते जैसे आ, दो सौ किलोग्राम तो अक्सर हम लिखते हैं टू के तो के में हमारे पास जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सब स्मॉल हैं के जी एंड एस तो इसको प्रयोग करने के लिए हम बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो कि हम प्रिंट में कर रहे हैं यानी हम यहां पर कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करेंगे एक बात और ध्यान रखने वाली है जब कोई ऐसा यूनिट आती है जिसमें केवल एक अल्फाबेट का प्रयोग हो रहा है जैसे मैं कोई एग्जांपल एक एक दू मीटर यदि हमें मीटर का प्रयोग करना है वन मीटर या जो मीटर हमें डिनोट करना है तो वन मीटर के लिए हम सबसे पहले नंबर साइन वन लगाएंगे क्योंकि एम एक अकेला लेटर है तो इस लेटर को इंडिकेट करने के लिए हम एक इंग्लिश लेटर इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करेंगे इंग्लिश लेटर का प्रयोग करने से तात्पर्य है कि एक अकेला यदि हमारे पास लेटर लिखा हुआ है जितने भी हमारे पास जैसे लीटर है एल एल में हमारे पास सिंगल लेटर है एम मीटर में हमारे पास एक सिंगल लेटर है राइट इन सब में यदि हमें प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमें एक इंग्लिश लेटर इंडिकेटर जो कि पांच छे डॉट नंबर पांच छ होता है वो हमें पहले लगाना होगा तो यदि हमें एक लीटर लिखना है वन एल लिखना है सबसे पहले हमने नंबर साइन लगाकर वन लिखा एक स्पेस दिया और उसके बाद एल लिखने के लिए हमने डॉट नंबर पांच पहले लिखा और उसके बाद हमने एल लिखेंगे दैट इज वन टू थ्री ठीक ऐसे ही एक मीटर यानी वन एम लिखने के लिए या फोर एम लिखने के लिए हम सबसे पहले डॉट नंबर वन लिखेंगे या जो संख्या है हमारी वो लिखेंगे स्पेस देंगे उसके बाद एक इंग्लिश लेटर इंडिकेटर लगाएंगे यानी पांच छह लगाएंगे और उसके बाद एम लिखेंगे ये नियम उन के लिए लागू नहीं होगा उन यूनिट्स के लिए लागू नहीं होगा जिसमें दो अल्फाबेट्स का हम प्रयोग कर रहे हैं जैसे सेंटीमीटर यानी सी उसमें हम इंग्लिश अल्फाबेट इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करेंगे केवल सिंगल लेटर के लिए ही हम इंग्लिश लेटर इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे जैसे मीटर uh, है है लीटर इन सब के लिए हम सदैव डॉक्टर एक इंग्लिश अल्फाबेट इंडिकेटर है जी। उसका प्रयोग करेंगे डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि जब हम मीटर का या लीटर का प्रयोग करते हैं जो हम लिखते हैं इसमें जब हम मीटर का प्रयोग करेंगे तो एम साइन जो इंग्लिश का है वही साइन हम यूज करेंगे और जब हम लीटर लिखेंगे तो जो साइन एल के लिए है वो साइन हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि हमें वन लीटर लिखना है तो वन लीटर लिखने के लिए अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा क्या वन लीटर लिखने के लिए वन के पहले क्या हमें नंबर साइन देना है जी बिल्कुल देना ओके पहले हम नंबर साइन देंगे फिर वन का साइन देंगे उसके बाद फिर हम एल का जो साइन है वो साइन देंगे यानी एल डिनोट करेगा क्योंकि ये सिंगल है और जब भी डबल रहेंगे यानी जैसे अगर सेंटीमीटर है तब उसमें हम इस जो अंग्रेजी वर्णमाला से हमने सिंबल लिया है उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे ये वही इस्तेमाल किया जाएगा जहां पे सिंगल के लिए हम यूज कर रहे हैं यानी जो सिंगल लेटर्स हैं उनके लिए जैसे लीटर के लिए एल मीटर के लिए एम पर जब उसके लिए ग्राम के लिए जी, जी पर जब वो सेंटीमीटर हो जाएगा तो वहां पे दो अल्फाबेट्स आ जाएंगे तो वहां ये हम उपयोग नहीं करेंगे उसी तरीके से अगर हमें वन मीटर लिखना है तो सबसे पहले हम नंबर साइन देंगे फिर वन का देंगे, फिर हम एम का साइन देंगे और वो हो जाएगा वन मीटर। नहीं। 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 तो अब ये करेंसी और मेजरमेंट की हमने बात की नहीं जितनी भी हमें मेजरमेंट की यूनिट शो करनी है जितनी भी हमें करेंसी की यूनिट शो करनी है उन सबको हम इसी प्रकार से लिखते हैं अब हम बात करते हैं रोमन न्यूमरल्स की हम रोमन में यदि संख्या लिखना चाहते हैं तो हम उसको किस प्रकार लिखेंगे देखिए रोमन न्यूमरल्स में जो नियम है वो ये है कि यदि रोमन न्यूमरल कैपिटल में लिखा है तो आप सदैव उसे कैपिटल में लिखेंगे और यदि रोमन न्यूमरल स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो हम उसे स्मॉल लेटर्स लिखेंगे जैसे हमें कैपिटल टू लिखा हुआ है यानी रोमन नंबर में दो लिखा हुआ है और वो भी कैपिटल में तो हम सबसे पहले क्योंकि एक से अधिक हमारे पास संख्याएं एक से अधिक हमारे पास उसमें डिजिट्स यूज हो रही हैं इसलिए हम सबसे पहले डॉट नंबर सिक्स को दो बार प्लेस करेंगे सो देट हमारे पास वो संख्या दो बार आ जाए कहने का तात्पर्य आई और आई वास्तव में यदि हम रोमन का प्रयोग करते हैं तो जो हमारे पास बेसिक यूनिट्स हैं बेसिक जो बातें हम रिप्रेजेंट करते हैं रोमन नंबर से वो है एक के लिए आई उसके बाद पांच के लिए V, X के लिए 10 और सो एंड सो फोर जो हमारे पास आगे संख्या है l है c है तो इन सबको यदि वो कैपिटल में लिखा है तो हम उसे कैपिटल में लिखेंगे यदि वो स्मॉल में लिखा है तो हम उसे स्मॉल में लिखेंगे और एग्जांपल जैसे आपको देता हूं हमारे पास तीन लिखा हुआ है तीन कैपिटल में लिखा है रोमन में तो सबसे पहले हम डॉट नंबर सिक्स दो बार यूज करेंगे और उसके बाद हम डॉट नंबर आई 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 तीन बार हम आई लिखे हैं जिससे वो कैपिटल रोमन में कैपिटल रोमन में थ्री लिखा हुआ पढ़ा जाएगा okay. और जी डॉक्टर साहब आपने हमें बताया कि रोमन न्यूमरल्स हमें किस तरीके से लिखने हैं और इसमें भी ये याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि जैसे जब आप रोमन लेटर्स लिखते हैं जब जो वन लिखते हैं वो डिनोट करता है आई की तरह बिल्कुल उसका कन्फिगरेशन आई के जैसे होता है जब हम फाइव लिखते हैं तो उसके लिए वी को डिनोट करते हैं और जब हम टेन लिखते हैं तब उसके लिए एक्स का जो साइन है जो सिंबल है उसका हम उपयोग करते हैं आपने हमें यहाँ यह भी बताया कि हम सबसे पहले इसमें कैपिटल साइन का उपयोग करेंगे उसके बाद फिर हम जैसे अगर हमें लिखना है थ्री तो हमने कैपिटल साइन यूज किया डॉट सिक्स का उसके बाद फिर हम आई का तीन बार उपयोग करेंगे तो वो हो जाएगा रोमन लेटर में थ्री एक नियम और इसमें है कि यदि हम स्मॉल लेटर्स में है तो हमारे नियम थोड़ा बदल जाते हैं तब हम हमेशा एक इंग्लिश लेटर इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे यानी देखिए एक चीज और मैं आप हमारे पास दो लिखा हुआ है ये रोमन में हमने दो लिखा है और ये भी रोमन में दो लिखा है ये कैपिटल में, में है ये स्मॉल में है यदि हमें ऐसे लिखना होगा तो डॉट नंबर सिक्स और फिर डॉट नंबर सिक्स और उसके बाद आई और देन आई दो बार हमने लिख दिया तो ये कैपिटल टू बन गया लेकिन इसके लिए ये नियम नहीं है इसके लिए क्योंकि तो कोई भी स्मॉल लेटर यदि रोमन में लिखा गया है चाहे वो एक हो चाहे वो दो हो चाहे वो तीन हो चाहे वो तीन डिजिट का इस्तेमाल किया गया चाहे दो डिजिट का इस्तेमाल किया गया हो उसको हम एज ए सिंगल लेटर ही कंसीडर करेंगे यदि हमारे पास स्मॉल आई है यानी वन है तब भी वो सिंगल लेटर है यदि आई आई है तो भी वो सिंगल लेटर है यदि वो स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है तो और तब तो हम उसके लिए लगाने से पहले एक डिजिट जो लगाएंगे जो चिन्ह लगाएंगे वो है इंग्लिश लेटर इंडिकेटर तो इंग्लिश लेटर इंडिकेटर हम तब लगाएंगे जब हमारे पास कोई भी रोमन संख्या स्मॉल लेटर्स में लिखी गई है अच्छा डॉक्टर साहब ये जो हम इंग्लिश लेटर का उपयोग करेंगे ये कौन सा इंग्लिश लेटर का उपयोग करेंगे? देखिए जो रोमन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं मैंने आपको बताया कि यदि हमें एक लिखना है जी. तो एक के लिए रोमन हम में में आई लिखते हैं वस्तु तो दो के लिए आई को ही तो हम दो बार इस्तेमाल कर रहे हैं आई को दो बार इस्तेमाल तीन के लिए हम आई को तीन बार इस्तेमाल कर रहे हैं पांच के लिए हम वी को इस्तेमाल कर रहे, रहे हैं और यदि हमें चार लिखना होगा तो चार के लिए हम आई वस्तु आई वी लिखते हैं लिखते अब वो कैपिटल है स्मॉल है ये एक दीगर बात है तो जैसा प्रिंट में हमने लिखा है वैसा ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं और यदि हमें हंड्रेड लिखना है तो हम सी लिख रहे हैं तो सी अल्फाबेट का भी हमने यूज किया एल लिख रहे हैं फिफ्टी के लिए हमने एल का इस्तेमाल किया अच्छा डॉक्टर साहब अब यहाँ पे ये हमें दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि जब वो रोमन कैपिटल में होगा तब उसके लिए हमें कैपिटल साइन यूज करना है पर जब वो स्मॉल में होगा तब वहां हम कैपिटल साइन का उपयोग नहीं कर रहे हैं और जिस तरीके से जैसे अगर हमें वन लिखना है तो हम आई का इस्तेमाल कर रहे हैं जब हमें टू लिखना है तो दो बार आई का इस्तेमाल कर रहे हैं जब हमें थ्री लिखना है तो तीन बार आई का इस्तेमाल कर रहे हैं जब हमें फोर लिखना है तो एक बार आई का और एक बार वी, वी का, का इस्तेमाल करेंगे और जब हमें फाइव लिखना है तो एक बार वी का इस्तेमाल करेंगे उसी तरीके से जब सिक्स लिखना है तो एक बार वी का और एक बार आई का इस्तेमाल करेंगे जब हमें सेवन लिखना है तो एक बार वी का और दो बार आई का हम इस्तेमाल करेंगे एट लिखना है तो एक बार वी का तीन बार आई का इस्तेमाल करेंगे और इसी तरीके से जब नाइन लिखना है तो एक बार आई उसके बाद एक बार एक्स के साइन का इस्तेमाल करेंगे और जब हमें टेन लिखना है तो एक बार एक्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये रोमन नंबर्स का है देखिए लेकिन ये जो नियम है ये हमारा कंपैरिजन साइन में सब बदल जाता है यदि अच्छा। हम कंपैरिजन साइन में हम चाहे स्मॉल का प्रयोग करें चाहे कैपिटल का प्रयोग करें उसमें हम इंग्लिश लेटर इंडिकेटर नहीं लगाते हैं यानी हमें लिखना है जैसे रोमन संख्या हमारी है एक फोर ये सब स्मॉल में लिखा जा रहा है प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन ये हमने इसमें लिख के देखा है फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन राइट अब ये तीनों स्मॉल है जितने भी हमने डिजिट लिखी है सब स्मॉल डिजिट है अभी हमने जो नियम की बात की थी कि स्मॉल यदि हमें लिखना है तो हम एक इंग्लिश इंडिकेटर लेटर जरूर लगाएंगे लेकिन क्योंकि ये कंपेरिजन साइन के साथ लग चल रहा है इसलिए इसमें हम कहीं पर भी इंग्लिश लेटर इंडिकेटर नहीं लगाएंगे बल्कि लिखेंगे आई जैसा इंग्लिश में हम लिखते हैं वी प्लस क्वेश्चन लगाएंगे डॉट नंबर थ्री फोर और सिक्स ये लगाने के बाद फिर हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे